Hello everyone, am I audible, visible? Let me know. मैं ऑडिबल विजिबल? बच्चों जो भी हो बता दो, तो हम लोग फटाफट से चालू करते हैं क्लास, ठीक है? चैट में किसी का नहीं आया आंसर? एम आई ऑडिबल विजिबल? विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी बराबर है, मुझे तो दिखाई दे रही हूँ मैं अभी, ठीक है? चलो फाइन, ओसामा गुड इवनिंग बेटा, लिंगराजन गुड इवनिंग, वेलकम टू माय क्लास, बढ़िया। चलो चलो स्टार्ट कर देते फटाफट से। कल हमने सलाइवरी ग्लैंड की फंक्शनल एनाटॉमी देखी थी, आज हम सलाइवरी ग्लैंड्स का रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, उसकी नर्व सप्लाई, और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ सलाइवा, जो बहुत बार क्वेश्चंस में पूछते हैं। आरन गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू माई क्लास। ओके, क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसे हर रोज बताती हूँ नए स्टूडेंट के लिए, मेरे सभी नोट्स आपको, गुड इवनिंग बेटा वर्खा, सभी नोट्स आपको वैसे जैसे एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है आपको उसको डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेना है, और मेरे सभी नोट्स हार्ड कॉपी में फिजियोलॉजी नोट्स में भी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, और एक हाँ, आज का जो टॉपिक है इसमें से कौन से क्वेश्चन है, मेरी बुक में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया हुआ है, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन एंड फेजेस ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन, जो हमने किया सिफेलिक फेज किया हमने, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टिनल फेज, है ना, ये पूरा है फेजेस ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शंस ऑफ सलाइवा एंड रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन, जो हम आज करने वाले, ठीक है? क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और अनाउंसमेंट बता रही हूँ, 10 बजे आज 10 मिनट 15 मिनट के एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ दूसरी चैनल में से, मेरी ही चैनल है फिजियोलॉजी की, प्रैक्टिकल की चैनल है, तो जो लोग भी अभी ऑनलाइन है मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उसमें भी 5 एमसीक्यूज कर रहे हैं, पर थोड़े से टफ वाले एमसीक्यूज है जो नीट में नेक्स्ट में आ रहे हैं, ठीक है? तो जो बच्चे अभी लाइव है 10 बजे सिर्फ 10 मिनट देना मुझे, ठीक है? अगर यस है तो थम डाल देना, ठीक है? ये हमारा टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद 10 बजे एक और चैनल पे 5 एमसीक्यूज में करवा रही हूँ, ठीक है? ये जो है ना वो नीट में, नेक्स्ट में, जिपमर में कैसे आते हैं वो एमसीक्यूज है, पीवाईक्यू, ठीक है? चलो अभी हमारा जो टॉपिक है वही कर रहे हैं। हाँ अगेन, हाँ तो नर्व सप्लाई की बात कर रहे हैं हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स की। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात बता रही हूँ जो नर्व सप्लाई के बारे में, कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना उसका रेगुलेशन हमेशा नर्व से ही होता है, हार्मोनल है या और कोई फैक्टर नहीं है कि जो सलाइवरी सिक्रीशन को रेगुलेट करे, ठीक है? तो ओके, ओसामा आएगा मेरे क्लास में, और जो भी आने वाले हो हाथ कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है? हाँ, ग्रुप में लिंक शेयर कर देती हूँ मैं ये खत्म होने के बाद। चलो तो नर्व सप्लाई की बात करें तो पैरासिंपैथेटिक हमेशा से, जैसे मैंने बताया, सिक्रीशन बढ़ाएगा, तो इसे कहते हैं सिक्रीटोमोटर नर्व, ठीक है? ये जो पैरासिंपैथेटिक नर्व है उसके सेंटर्स हमारे होंगे पोन्स और मेड्यूला में, ठीक है? पोन्स एंड मेड्यूला, इसके अंदर सलाइवेटरी न्यूक्लियस होते हैं, सुपीरियर एंड सलाइवरी या सलाइवेटरी बोलते न्यूक्लियस, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, ठीक है? और ये जो पैरासिंपैथेटिक सप्लाई है ये हमारी तीनों मेजर ग्लैंड्स को जाएगा, है ना, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है? और इसका काम क्या है, एक तो ये हमारे सलाइवरी सिक्रीशन को बढ़ाएगा, जैसे मैंने इजी एग्जांपल दिया था ना, हमारी हमें पसंद है वो चीज़ का कोई नाम देता है तो मुंह में पानी आता है, सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ता है तो पैरासिंपैथेटिक, और दूसरा काम करेगा वो वेजोडायलिटेशन, ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन करेगा, ठीक है? लिंगराजन भी क्लास में आ रहा है, बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होगा पैरासिंपैथेटिक में, एसिटाइलकोलीन, साथ साथ में वेसोडायलेटेशन के लिए यहाँ पे वाजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, VIP इसका शॉर्ट नेम, ठीक है? हाँ, अभी सिंपैथेटिक से भी थोड़ा सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ सकता है, पर
पैरासिम्पैथेटिक का ज्यादा एक्शन है, सिंपैथेटिक से सलाइवरी सिक्रीशन कम होगा, ठीक है। कंट्रोल ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन मैंने जो बताया, ओनली इट इज रेगुलेटेड बाय नर्व्स, कोई भी हॉर्मोन्स नहीं आएंगे, कोई भी रेगुलेशन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। नो हॉर्मोनल रेगुलेशन, सिर्फ नर्वस रेगुलेशन, ठीक है। तो ये एक यूनिक है कि कोई भी हॉर्मोनल रेगुलेशन इसे रेगुलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं अलग अलग ग्लैंड्स की। पहले मैं बात कर रही हूँ पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड है, इसके सभी के पैरासिम्पैथेटिक की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो मैंने एक और भी बताया था, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं ना, ऑटोनॉमिक भी हमने किया था। ओके आनंद, बढ़िया, वेलकम टू माई क्लास। तो प्री गैंग्लियोनिक मतलब क्या, सबसे पहले जैसे मैंने बात की ना, ये इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है, कहाँ पे है, ब्रेन स्टेम में। यहाँ से फाइबर्स चालू होंगे, ये है हमारे प्री गैंग्लियोनिक। फिर ये गैंग्लियन में पूरे हो जाएंगे, यहाँ से नंबर टू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो सप्लाई करेंगे हमारी ग्लैंड को, ठीक है। तो प्री गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स है, इसके न्यूक्लियस का नाम याद रखना है इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, वहां से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, फिर गैंग्लियन में जाएंगे, ठीक है। ये जो गैंग्लियन है उसका नाम है ओटिक गैंग्लियन, और वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हमारी पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हाँ ठीक है। हाँ, फिर मैं दूसरा भी बता रही हूँ जिससे हम याद रखने में इजी होगा। ये गाइडन का डायग्राम है, ये हमारा देख लो, ये पैरोटिड ग्लैंड, पहले मैं इरेज कर रही हूँ सब कुछ। तो ये वाली, ये देखो, ये हमारी है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। प्री गैंग्लियोनिक ब्रेन स्टेम स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर जा रहा है हमारा वो ओटिक गैंग्लियन में, और ओटिक गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सुपीरियर सलाइवेटरी, इजी याद रखना है, तो सब एस आएगा, सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, और चौथा भी एस आएगा, सेवेंथ क्रेनियल नर्व। सेवेंथ कौन सी है, फेशियल, ठीक है। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सबसे पहले बात कर रहे हैं, तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है डॉर्सल नर्व ऑफ द सेवेंथ क्रेनियल नर्व, ठीक है। इसका दूसरा नाम है नर्वस इंटरमीडियस, इतना याद रखोगे तो चलेगा। तो प्री गैंग्लियोनिक कहाँ से स्टार्ट हुए, सेवेंथ से, कहाँ जा रहे हैं, गैंग्लियन में। ये गैंग्लियन का नाम भी वही है, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है। वहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक आएंगे, और ये दोनों को सप्लाई कर रहे हैं, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। अभी याद रह गया, फिर से करवा रही हूँ। मैंने बताया एस एस एस, सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल न्यूक्लियस सुपीरियर सलाइवेटरी, एस सेवेंथ क्रेनियल नर्व, प्री गैंग्लियोनिक, फिर गैंग्लियन में जाएगा वो भी एस, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, पोस्ट गैंग्लियोनिक, फिर ग्लैंड में, ठीक है। पैरोटिड का थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा ही, प्री गैंग्लियोनिक है हमारा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, हाँ इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, फिर जाएगा ओटिक गैंग्लियन और पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नर्व सप्लाई, ठीक है, ये वाला, ये सेम है। हाँ, अभी पैरासिम्पैथेटिक और कोई भी सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, जब हम नर्व की बात कर रहे हैं तो जो भी नर्व में रेगुलेशन होता है वो रिफ्लेक्सली होता है, रिफ्लेक्स एक्शन है ना, फटाफट होती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक है कंडीशन रिफ्लेक्स और दूसरा अनकंडीशन। कंडीशन का मतलब है सिखाना, मतलब कि हमें सिखाया गया है, और या फिर मैं इजी एग्जांपल दूं, सपोज कि साइट, हमें कोई हमारी जो अच्छी लगती है वो चीज़ देखे तो भी मुंह में पानी आता है, स्मेल आए, थॉट तो भी मुंह में पानी आता है, ठीक है। क्यों, कोई भी साइट और सलाइवा के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, पर क्या होगा, यहाँ हायर सेंटर्स में से ये फाइबर्स जाएंगे हाइपोथैलेमस, वहां से सलाइवेटरी न्यूक्लियस में जाएंगे और वहां से फिर ग्लैंड में जाएंगे, ठीक है। तो वो सलाइवेशन कर रहे हैं, तो ये कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग मतलब क्यों, सपोज अगर आप नया बच्चा पैदा हुआ है अभी, न्यू बॉर्न, उसके सामने कुछ भी ला दो, उसमें सलाइवरी सिक्रीशन नहीं होगा, उसको पता ही नहीं है उसका टेस्ट क्या है, है ना, स्मेल भी करो तो भी सलाइवेशन नहीं होगा, हमारे में होगा। तो कंडीशनिंग मतलब लर्निंग, और अनकंडीशन रिफ्लेक्स का मतलब कुछ भी चीज़ हम
ओरल कैविटी में रखेंगे तो सलाइवेशन होगा, दैट इज अनकंडीशन रिफ्लेक्स। न्यू बॉर्न बेबी के भी टंग के ऊपर आप कुछ रख दो, सलाइवेशन होगा, ठीक है। तो वो है अनकंडीशन रिफ्लेक्स, सिखाना नहीं पड़ता, बाय बर्थ होता है, इसे इन बॉर्न भी कहते हैं, इन बॉर्न रिफ्लेक्स बाय बर्थ, ठीक है। हाँ, अभी और ये कहाँ से स्टिमुलेट होंगे, इसके रिसेप्टर्स कौन से है? पहला तो है हमारा मिकेनोसेप्टर्स, टेक्टाइल स्टिमुलाई, कुछ भी टच कर रहा है, अच्छी सी चीज़ है या कोई भी है, खराब चीज़ भी सलाइवेशन करती है, वॉमिटिंग होती है तो भी सलाइवेशन पहले होता है, ठीक है। तो वो वहाँ से जाएगा हमारा फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स के थ्रू, ट्राई जेमिनल नर्व, इसकी ब्रांचेज होती है लिंगुअल, बकल, पैलेटाइन, इससे थ्रू जाएगा हमारे सलाइवेटरी न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। और फेरिंजियल, जब फेरिंग्स में आएगा तो फेरिंजियल ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ये सब लेके जाएंगे हमारे सलाइवेटरी न्यूक्लियस। फिर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से तो पाथवे पता ही है, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट सुपीरियर सलाइवेटरी, इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, ठीक है। सुपीरियर से वो जा रहा है सेवेंथ क्रेनियल नर्व, ठीक है, फिर वहाँ से जाएगा सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, फिर जाएगा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है, वहाँ से जा रहा है हमारा ओटिक गैंग्लियन, ठीक है, और वहां से जाएगा पैरोटिक ग्लैंड। तो एक रिसेप्टर हुआ हमारा मिकेनोसेप्टर, दूसरा रिसेप्टर है कीमोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर मतलब टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड कहाँ थे, हमारी जो टंग है ना, यहाँ पर टंग है, इसके ऊपर पेपिलीज होते हैं, पेपिलीज की वॉल के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्ट बर्ड एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग एंड पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग में, तो एंटीरियर टू थर्ड जो है इसमें से ये टेस्ट बर्ड्स में से टेस्ट के सेंसेशन कौन लेके जा रहा है, हमारा हमारी सेवेंथ क्रेनियल नर्व, सेवेंथ, और पीछे से नाइन्थ। नाइन्थ का नाम ही है ग्लॉसोफेरिंजियल, ग्लॉसो का मतलब टंग, फेरिंजियल मतलब फेरिंग्स, ठीक है। और नाइन्थ वाला जो है वो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ नाइन्थ क्रेनियल नर्व में जाएगा और सेवेंथ वाला सेवेंथ के न्यूक्लियस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिसेप्टर लेके जाएंगे, फिर सुपीरियर सलाइवेटरी, इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस और फिर सलाइवेशन। तो ये हो गया अनकंडीशन, इसको सिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा पाथवे हो गया हमारा, ठीक है। हाँ हाँ, अभी दूसरा, जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत ज्यादा। तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रीशन होता है, हमने कल भी किया था, हाई फ्लो रेट है, लार्ज है, तो इसमें सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट ज्यादा होते हैं, पोटेशियम कम होता है, पोटेशियम सिक्रीट, पोटेशियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, ये सब सिक्रीट नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, और पर प्रोटीन्स इसमें कम होंगे, ठीक है। हाँ, अभी ये कैसे स्टिमुलेट कर रहा है, ये हमारे सेवेंथ और नाइन्थ क्रेनियल नर्व है, हमारी सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड ग्लैंड, अभी ये सिक्रीशन कैसे कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबसे पहला तो वो कैलिक्रीन सिक्रीट करेगा, ये जो कैलिक्रीन है ना वो फिर ब्रेडिकाइनिन बनाएगा, और ये जो ब्रेडिकाइनिन है ना वो वैसोडायलेटर है, ठीक है। तो यहाँ से वो सिक्रीशन बढ़ा रहा है, एक सेकेंड वाजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड भी रिलीज करेगा जो भी वैसोडायलेटेशन कर रहा है। थर्ड एक्शन इसका ट्रांसपोर्ट बढ़ाएगा एसिनर सेल से डक्टल सेल से, और डायरेक्टली वैसोडायलेटेशन भी करेगा पैरासिम्पैथेटिक। तो ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे ये सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ाता है। अभी ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आएगा यहाँ पे, एसिटाइल कोलीन, कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, देखो यहाँ पे ये हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड है ना इसके एसिनर सेल्स है, ये वाले है ना, जैसे हमने ये ऐसे बताया था, ये ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, तो ये वाला सेल है हमारा, एक सेल, ठीक है, इसके ऊपर एसिटाइल कोलीन के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये रिसेप्टर हमारे निकोटिनिक नहीं है, निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में थे, मैंने बताया था, यहाँ पे मस्केरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एसिटाइल कोलीन बाइंड हो रहा है, जैसे एसिटाइल कोलीन बाइंड होगा तो इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, जो कि सेकेंड मैसेंजर मतलब वो मैसेज कैरी करके काम करेगा, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है, वो जाके कैल्शियम बढ़ाएगा, ठीक है, और कैल्शियम जाके फिर सिक्रीशन बढ़ाएगा, ठीक है। हाँ, इसीलिए हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग देते ना, एट्रोपिन, जो मस्केरेनिक रिसेप्टर को इनहिबिट करती है, तो सलाइवरी सिक्रीशन कम हो जाएगा, माउथ ड्राई हो जाएगा। ये वही डायग्राम है, एसिटाइल कोलीन यहाँ पे, ठीक है। और नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना एड्रिनर्जिक सिंपैथेटिक, वो अल्फा बीटा रिसेप्टर्स के थ्रू एक्शन करते हैं, और ये तो कैल्शियम को घटाएगा, ठीक है। सिंपैथेटिक, अभी सिंपैथेटिक की बात कर रहे हैं, तो सिंपैथेटिक का मैंने बताया था, दूसरा नाम अगर याद है तो चैट बॉक्स में डाल दो बच्चों,
पैरासिंपैथेटिक का नाम था, याद है, क्रेनियोसैक्रल, और सिंपैथेटिक का दूसरा नाम था थोरेकोलंबर। तो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे थोरेकोलंबर T1 T2 यहाँ से, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड को ही जाना है ना, तो ऊपर वाले ही होंगे ये वाले T1 T2। ठीक है, तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स वहां से आ रहे हैं T1 और T2 से, फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, यहाँ पे गैंग्लियन यहाँ पे ही है। ठीक है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन होगा, यहाँ पे ये फाइबर्स पूरे हो जाएंगे और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जाके हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को सप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से होगा क्या, उल्टी एक्शन, वो वेजो डायलिटेशन कर रहा है, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, तो सलाइवरी सिक्रीशन कम हो जाएगा और जो सलाइवा है ना वो थिक होगी और विस्कस होगी, म्यूकस ज्यादा रहेगा इसमें, ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ज्यादा रहेंगे, वाटर कम रहेगा, थिन नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है एसी नर्व और डक्टर सेल में, जैसे मैंने बताया अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है, वो भी सेकेंड मैसेंजर के थ्रू ही एक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, पर यहाँ जो सेकेंड मैसेंजर था ना हमारा एस्टाइल कोलिन में, वो था इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, यहाँ था साइक्लिक एएमपी। ठीक है, और ये डिक्रीज कर रहा है सलाइवरी सिक्रीशन को। ठीक है, हाँ, अभी एक और अप्लाइड एस्पेक्ट यहाँ पे, पैरालिटिक सिक्रीशन। पैरालिटिक सिक्रीशन मतलब पैरालिसिस हो जाना, सिक्रीशन कम हो जाना। तो ये जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किया था, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है क्लाउड बर्नार्ड, इसने क्या किया था, ये कॉर्डा टिम्पनी वो सेवेंथ क्रेनियल नर्व की ब्रांच है, ठीक है, जो हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करी, उसको कट कर दिया। ठीक है, जैसे ये कॉर्डा टिम्पेनी को कट किया तो क्या हो रहा है, पैरासिंपैथेटिक गया है ना, तो सिक्रीशन इसका बंद हो जाएगा, जिसे कहते हैं पैरालाइटिक सिक्रीशन। पर उसके बाद क्या होगा, अगर नर्व कट कर दिए तो रिसेप्टर्स बढ़ जाएंगे ना, ये जो हमारे एसीनर सेल्स के ऊपर थे ना एस्टाइल कोलिन के रिसेप्टर, यहाँ पे वो बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा इसके बाद, हाइपर सेंसिटिविटी होती, थोड़ा भी एस्टाइल कोलिन आया ना कहीं से भी तो भी सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ेगा, तो पैरालाइटिक भी होता है और हाइपर सेंसिटिविटी भी होगी। ठीक है, आफ्टर कटिंग द नर्व, हाँ, तो ये हो गया हमारा रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। फिर आएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा के फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्ट नोट पूछते हैं। ठीक है, अगर सलाइवा नहीं हो तो पूरा ओरल कैविटी अपना फंक्शन कर ही नहीं पाएगी। तो पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, कुछ भी हमने इरिटेंट हॉट फूड ले लिया तो उसको डाइल्यूट करेगी सलाइवा। ठीक है, दूसरा, ओरल कैविटी में कुछ भी पड़ा हुआ है तो उसको वॉश आउट करेगी, वॉशेस अवे द फूड पार्टिकल, सो हमारी जो ओरल हाइजीन है मेंटेन होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा, हार्मफुल बैक्टीरिया है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा एक्शन है, इसके अंदर लाइसोजोम्स होता है, सॉरी ये लाइसोजाइम बोलते हैं, एंजाइम है लाइसोजाइम, लाइसोजोम तो अंदर, लाइसोजाइम इज बैक्टेरिसिडल एक्शन। बैक्टेरिसिडल मतलब हम बताते हैं ना सुसाइड, सु मीन्स सेल्फ, साइड मीन्स डेथ, तो सुसाइड मीन्स सेल्फ की डेथ, बैक्टेरिसिडल मतलब बैक्टीरिया की डेथ, तो बैक्टीरिया को मारने वाला एंजाइम होता है लाइसोजाइम। फिर होगा इसके अंदर IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ना ये डिफेंस है, प्रोटेक्ट करता है ना, IgG, IgE अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, वो हमारी जो इम्यूनिटी है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट, इसके लिए चाहिए। फिर एक है लैक्टोफेरिन, जो है बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब बैक्टीरिया को स्टॉप करेगा है ना, वो है बैक्टेरिसिडल, ये है बैक्टेरिस्टेटिक, स्टेटिक मतलब स्टॉप करेगा। ठीक है, फिर कभी कभी HCl भी अगर रीगर्जिटेट होके ओरल कैविटी में आ गया तो एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसको भी घटाएगा, तो उसका पहला फंक्शन हो गया प्रोटेक्टिव फंक्शन सलाइवा का। ठीक है, सेकेंड फंक्शन आएगा मैस्टिकेशन डिग्लूटिशन। सलाइवा में जो म्यूकस है ना वो हमारी बकल कैविटी को और फूड को दोनों को लुब्रिकेट करेगी, तो अच्छे से वो मैस्टिकेट होगा, फिर स्वॉलो भी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इसका फंक्शन है डाइजेशन। सलाइवा में दो चीज का डाइजेशन होता है, एक हमारा स्टार्च, इसके लिए अल्फा अमाइलेज है, टाइलिन भी बोलते हैं इसे, और दूसरा है ट्राइग्लिसराइड है ना, जिसके लिए लिंगुअल लाइपेज होता है। हाँ, अभी ये इंपॉर्टेंट एक और बात कि जो इसके लिए हमारे सलाइवा की पीएच, ऑप्टिमम पीएच कौन सी चाहिए सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन के लिए, 6.5 to 7,
जब ये पीएच कम हो जाएगी लेस देन 4 और 5 तो ये सलाइवरी अमाइलेज काम नहीं करेगा। इसीलिए जब हमारा फूड स्टमक में जाएगा फिर वो सलाइवरी अमाइलेज का काम नहीं होगा, क्योंकि वो पीएच बहुत कम हो जाती है एसिड आ गया इसलिए। ठीक है, थर्ड एक्शन फिर से बता रही हूँ। पहला फंक्शन था दैट वॉज प्रोटेक्टिव फंक्शन, मैस्टिकेशन, डिग्लूटिशन, डाइजेशन। हाँ अभी डाइजेशन में भी ये, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो सलाइवा का अमाइलेज है ना सिर्फ बॉइल्ड स्टार्च पे ही काम करेगा, रॉ स्टार्च पे नहीं करेगा। रॉ स्टार्च के लिए हमें चाहिए पैंक्रियास का अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, ठीक है, हाँ तो वो इसको कन्वर्ट करेगा एरिथ्रोडेक्सट्रीन में, फिर एक्रोडेक्सट्रीन, फिर आइसोमाल्टोज एंड माल्टोज। ठीक है, तो इन शॉर्ट स्टार्च में से माल्टोज बनेगा, किससे, हमारे सलाइवरी अमाइलेज, ओनली बॉइल्ड स्टार्च। रॉ स्टार्च के ऊपर पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक्शन करेगा, सलाइवरी नहीं करेगा। ठीक है, फोर्थ एक्शन टेस्ट सेंसेशन। टेस्ट के लिए भी हमारी सलाइवा के साथ फूड मिक्स होगा, इसके बाद ही वो टंग के ऊपर जो हमारे टेस्ट बड है उसके ऊपर स्प्रेड होगा, तो टेस्ट के लिए भी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड आनंद, प्रोटेक्टिव, मैस्टिकेशन, गुड। स्पीच, स्पीच के लिए हमारी ओरल कैविटी को मॉइस्ट रहना पड़ेगा ना, लुब्रिकेशन, तो वो भी चाहिए। ठीक है, फिर एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीशन मतलब कई कई बार कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, जैसे थायोसाइनेट है, कुछ और सब्सटेंसेस है, अल्कोहल है, मॉर्फिन, ये सब सलाइवा में सिक्रीट होते हैं और सलाइवा के साथ फिर स्टमक में जाएंगे, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक में, फिर एक्सक्रीट हो जाएंगे, तो ये उसका एक्सक्रीटरी फंक्शन। फिर से रिपीट कर रहे, पहला फंक्शन था प्रोटेक्टिव फंक्शन, सेकेंड फंक्शन था हमारा मैस्टिकेशन, डिग्लूटिशन, थर्ड डाइजेशन, फोर्थ टेस्ट सेंसेशन, फाइव स्पीच, सिक्स एक्सक्रीटरी फंक्शन। ठीक है, सेवन टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर में कैसे एक्ट करेगा वो, जैसे हमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, डिहाइड्रेशन हो गया, तो सलाइवरी सिक्रीशन कम हो जाएगा, तो हमें प्यास लगेगी कि वी हैव टू टेक समथिंग। ठीक है, और डॉग में, लोअर एनिमल में सलाइवा का ज्यादा रोल है। पेंटिंग मैकेनिज्म, पेंटिंग मतलब आपने देखा होगा डॉग है गर्मियों में खासकर, अभी सर्दियों में नहीं होगा, अभी नहीं देखने को मिलेगा, समर में देखना, वो बैठेगा, इसकी टंग बाहर करेगा, सलाइवा ड्रिबल करेगा, है ना, सलाइवा बाहर निकालेगा, इसके साथ साथ वो हीट भी लॉस कर रहा है, तो इसे कहते हैं पेंटिंग मैकेनिज्म, जो डॉग में होती है, ह्यूमन में नहीं होती, हमारे में नहीं होती। ठीक है, पर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। ठीक है, हाँ, फिर दूसरा एक और भी फंक्शन है, हमारी जो सलाइवा में बफर्स होते हैं और प्रोलिन रिच प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारी सलाइवा की पीएच को मेंटेन करेंगे 7 के अराउंड, और जब पीएच हमारी 7 होगी, ठीक है, तो ये पीएच पे हमारा जो कैल्शियम है ना वो सैचुरेटेड रहेगा। ठीक है, तो हमारे जो टीथ है ना वो कैल्शियम पकड़ के रखेंगे, वो लूज नहीं करेंगे, तो उसके जो टूथ के ऊपर के इनेमल है ना वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो अगर पीएच एसिडिक हो गई तो कैल्शियम हमारे टीथ में से लॉस्ट होने लगेगा, क्योंकि वो कैल्शियम को सैचुरेट करके पकड़ के नहीं रख रहा है। ठीक है, हाँ, दूसरा सलाइवा के अंदर कभी कभी ग्लूकागॉन जो कि हार्मोन है, सोमेटोस्टेटिन एंड कुछ स्पीशीज में रेनिन और नर्व ग्रोथ फैक्टर भी फाउंड होते हैं, उसके फंक्शंस नहीं पता है हमें। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सलाइवा के फंक्शंस। ठीक है, फिर से एक बार कर रहे हैं सलाइवा के फंक्शंस, पहला था प्रोटेक्टिव, दूसरा था मैस्टिकेशन, डिग्लूटिशन, देन डाइजेशन, फिर कौन सा था, फोर्थ नंबर टेस्ट सेंसेशन, स्पीच, एक्सक्रीटरी फंक्शन, फिर कौन सा रह गया अभी, कौन बताएगा मुझे, एक्सक्रीटरी के बाद कोई बाकी है, टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, हाँ ओके, चलो तो ये हमारा हो गया सलाइवा का ये वाला क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमारा रह गया है वो भी हम कर लेते हैं, जीआईटी का नर्व सप्लाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर्वेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक हमने इंट्रोडक्शन में किया था, डाइजेस्टिव ट्रैक में हमने किया था, दो नर्व प्लेक्सस होते हैं, दो सिस्टम होती है, पहली तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सिस्टम, ये वाली। इंट्रिंसिक मतलब ये वॉल के अंदर है और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर वाली। इंट्रिंसिक
है, इसे एंट्रिक भी कहते हैं, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम क्या है? एंट्रिक नर्वस सिस्टम मतलब हमारे दो प्लेक्सस। कौन से दो प्लेक्सस याद हो तो मायेंट्रिक प्लेक्सस एंड मीजनर्स प्लेक्सस, किसी को याद हो तो, एंड मीजनर्स, किसी को याद है बच्चों? मैं करवाती हूँ, नहीं याद है तो अभी आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो हमारे GAT में बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं। कितने? अबाउट 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है वो हमारे GAT में क्या काम करते हैं? नर्व का दो काम है। एक तो हमारा जो GAT के मसल है ना, उसका कॉन्ट्रैक्शन करना, मसल मूवमेंट है ना, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक करते भी है या प्रिवेंट भी करते, एक फंक्शन। वेरी गुड, ओसामा याद है आपको, बढ़िया। हाँ, फिर दूसरा फंक्शन है इसका कि ये कर रहा है हमारा सिक्रीशन। अगर पैरासिम्पैथेटिक हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, सिक्रीशन बढ़ेगा। सिंपैथेटिक हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन घटेगा, सिक्रीशन घटेगा, ठीक है। पर ये कॉन्ट्रैक्शन सिक्रीशन करता कौन है? तो ये अंदर वाली इंट्रिंसिक, मायेंट्रिक और ऑर्बिट प्लेक्सस, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग पहले ये कर लेंगे कौन कौन से। तो ये जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है ना, सबसे पहले जेम्स लैंगले ने डिस्क्राइब किया था, वो याद रहेगा तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसे एंट्रिक या सेमी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बताते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये वाला देखो, हमने किए थे ना, याद हो तो, लेयर्स, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये वाला, ये म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा, मसल लेयर एंड सीरस लेयर, ठीक है। तो ये जो हमारा सब म्यूकोजा है, इसके अंदर जो प्लेक्सस था नर्व का, इसे कहते हैं सब म्यूकोजल प्लेक्सस और मीजनर्स प्लेक्सस, ठीक है। बरखा बढ़िया, आप लोगों को याद है, आई एम वेरी हैप्पी, ओके बढ़िया। और मीजनर्स यहाँ पे, और मायेंट्रिक जो है ये हमारे मसल्स के बीच में है, सर्क्यूलर और लॉन्जिट्यूडनल के बीच में, ये वाला, ठीक है। हाँ, ओके, तो ये दो हो गए हमारे प्लेक्सस, ठीक है। जो ये देख लो, ये वाला है सब म्यूकस, जिसका दूसरा नाम है मीजनस, ये वाला, और मायेंट्रिक और ऑर्बेक्स, ये मसल में होगा, ठीक है। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं पहले वाले, मायेंट्रिक की या ऑर्बेक्स प्लेक्सस की। तो मायेंट्रिक या ऑर्बेक्स प्लेक्सस कहाँ था? दोनों मसल के बीच में, सर्क्यूलर और लॉन्जिट्यूडिनल के बीच में, यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये स्टिमुलेट होगा तो क्या हो रहा है? जब ये स्टिमुलेट हो रहा है तो हमारा जो टोन है ना गट का, वो बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेगी, ठीक है, एक चीज। सेकेंड थिंग, इसका रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम मसल की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्शन ही करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है, एक बात। तो इसका एक्शन है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो कंट्रोल द मूवमेंट, मोटिलिटी ऑफ गट, कौन से प्लेक्सस की फंक्शन हुई हमारी, कौन से प्लेक्सस का फंक्शन हुआ? मायेंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। फिर आ रहा है मीजनस प्लेक्सस। मीजनस कहाँ पे है? सब म्यूकोजल लेयर में। ये हो गया हमारा मायेंट्रिक, ये हो गया हमारा सब म्यूकोजल में, ठीक है, सब म्यूकोजल में मीजनस प्लेक्सस, ठीक है। अभी इसका काम क्या है? सब म्यूकोजल में ग्लैंड्स होती है, तो इसका काम है सिक्रीशन, है ना। तो जैसे ये स्टिमुलेट हो रहा है तो सिक्रीशन बढ़ाएगा, टू कंट्रोल द लोकल इंटेस्टिनल सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब बढ़ाएगा। कौन सा प्लेक्सस? मीजनस प्लेक्सस, ठीक है। हाँ, तो हाँ, दूसरा, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऑर्बेक्स और मीजनस, और ये दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है? ऑर्बेक और मीजनस को स्टिम्युलेट, तो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी बढ़ेगी, सिक्रीशन बढ़ेगा। सिंपैथेटिक इनहिबिट, पेरिस्टाल्टिक घटेंगे और सिक्रीशन भी कम होगा, ठीक है। तो ये वाले हो गए हमारे एक्सट्रिंसिक। कौन से हुए एक्सट्रिंसिक? पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, ठीक है। तो अभी पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक का मैंने नाम बताया था आप लोगों को, क्रेनियोसैक्रल, ठीक है। तो क्रेनियल और सैक्रल, क्रेनियल में हमारी कौन सी होगी? 3, 7, 9 एंड 10। ये जो नर्व्स है ना,
ये पास होगी मेड्यूला से, मिडब्रेन बोन्स मेड्यूला से स्टार्ट हो गए, नीचे जाएंगे और ये वेगस है ना वो कहाँ तक सप्लाई कर रही है, हमारे इंटेस्टाइन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ना इसके मिडल पार्ट तक, ठीक है। इसके बाद आएंगी सैक्रल नर्व्स, ठीक है। तो ये क्रेनियल वाली है वो कहाँ सप्लाई करी है, सभी ये डाइजेस्टिव ट्रैक में सभी पैरोटिड सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड्स को भी सप्लाई करेगी, स्टमक लीवर पैंक्रिया है ना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसवर्स कॉलोन के हाफ तक। इसके बाद का जो पोर्शन है वो सप्लाई कर रही है सैक्रल यहाँ से, ठीक है ये ओके। पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है हमने सीख लिया है ना, मोटिलिटी बढ़ाएगा सिक्रीशन बढ़ाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर होगा एस्ट्रेल कोलिन, ठीक है इजी है ये तो। फिर सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक हमारी ओरिजिनेट हो रही है अगर हम सिर्फ डाइजेस्टिव की बात कर रहे हैं, ये ग्लैंड्स की बात नहीं कर रहे, स्टमक से बात कर रहे, तो T5 to L2। फिर वो जाएगा ये सिंपैथेटिक चेन ऑफ गैंग्लियन, गैंग्लियन में, फिर यहाँ पे सीलिया गैंग्लियन में भी जा रहा है, सीलिया गैंग्लियन सुपीरियर मेसेंट्रिक इंफीरियर मेसेंट्रिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हमारे सभी ऑर्गन्स डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको सप्लाई करेंगी, ठीक है। सिंपैथेटिक का एक्शन ऑपोजिट, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये स्फिंक्टर को बढ़ाएगा तो पेरिस्टाल्सिस कम हो जाएगा, ठीक है, और सिक्रीशंस कम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपैथेटिक। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंपैथेटिक हमेशा क्या कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा वो कैसे एक्शन करेगा, हमारा जो स्मूथ मसल है ना इसका हाइपर पोलराइजेशन करेगा, नीचे चला जाएगा उसका एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इनहिबिटरी इफेक्ट होगी एंट्रिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की, ठीक है। तो इसे क्या होगा, अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ तो जीआई मूवमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। हाँ तो ये हमारा हो रहा है, हाँ यहाँ पे तो ये ऑर्बेक्स प्लेक्सस मीजनस प्लेक्सस ये दोनों है ना इसको सिंपैथेटिक भी एक्शन कर रहे हैं और पैरासिंपैथेटिक भी इसके थ्रू ही एक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे, हाँ एक और बात छोटा सा रह गया, जीआई रिफ्लेक्सेस। जीआई रिफ्लेक्सेस मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक है इसमें कुछ कुछ सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक एक्शन है वो रिफ्लेक्सेस के थ्रू हो रहे। तीन टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक है जो रिफ्लेक्सेस अंदर ही इंटीग्रेट हो रहे, अंदर ही इंटीग्रेट हो रहे मतलब अंदर के अंदर वो रेगुलेट हो रहे, ठीक है। कि ये रिफ्लेक्सेस क्या कर रहे हैं, जीआईटी का सिक्रीशन पेरिस्टाल्सिस मिक्सिंग मूवमेंट ये सब अंदर ही रेगुलेट कर रहे, ठीक है। दूसरे जो रिफ्लेक्सेस है वो गट से जाएंगे सिंपैथेटिक गैंग्लियन में और फिर वापस आएंगे, अंदर के अंदर नहीं आएंगे, सिंपैथेटिक गैंग्लियन या पैरासिंपैथेटिक में जाके फिर वापस आएंगे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोकोलिक मतलब जैसे हम सुबह सुबह कुछ खाते हैं इसके बाद हमारी मोटिलिटी आती है ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मोशन तभी आते हैं कुछ खाते हैं, तो ये क्यों होता है कि स्टमक में जैसे फूड आएगा तो कोलोनल मूवमेंट बढ़ेगी, कैसे, ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के थ्रू, ठीक है। फिर दूसरा है एंटरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इंटेस्टाइन में कुछ आएगा तो वो स्टमक को इनहिबिट करेगा मोटिलिटी, क्यों, क्योंकि अगर स्टमक डालता ही जाएगा इंटेस्टाइन में तो इंटेस्टाइन को डाइजेशन का टाइम ही नहीं मिलेगा, एब्जॉर्प्शन का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो एंटरोगैस्ट्रिक इंटेस्टाइन का जो सिक्रीशन है, जो हॉर्मोन्स है, वो स्टमक की मोटिलिटी को घटाते हैं, ठीक है। फिर रिफ्लेक्सेस फ्रॉम कोलोन जो इनहिबिट कर रहे हैं इलियल कंटेंट की मूवमेंट को, क्योंकि यहाँ पे ये कोलोन में आ गया तो अभी इसके बाद इसको भी एब्जॉर्प्शन करना है ना, तो ये इलियम इलियल जो स्फिंक्टर है ना उसको बंद कर देंगे, जिसे कहते हैं कोलोनो इलियल रिफ्लेक्स, ठीक है। हाँ, और तीसरे रिफ्लेक्सेस भी एक है कि वो गट से जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से वापस आएंगे, इसमें पेन रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ रिफ्लेक्सेस फ्रॉम स्टमक एंड डियोडिनम टू द ब्रेन स्टेम एंड देन बैक टू द स्टमक बाय द वे ऑफ वेगस नर्व, वेगस नर्व से आएंगे, पेन के रिफ्लेक्सेस हो गए और डेफिकेशन रिफ्लेक्स है। डेफिकेशन रिफ्लेक्स हम पूरा ही लास्ट में करेंगे, डेफिकेशन रिफ्लेक्स का तो पूरा लेक्चर ही होगा, ठीक है। तो ये सब भी डाइजेस्टिव रिफ्लेक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म हो रहा है, हमने सलाइवरी ग्लैंड मैंने पूरा किया, नेक्स्ट हम करेंगे स्वॉलोइंग डिग्लूटिशन। एक और भी अनाउंसमेंट है मेरा, 4 दिन और मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे सेशन नहीं होने वाला, बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बच्चों की एग्जाम लेने जाना है,
तो 4 दिन हमारी छुट्टी है। टेंशन नहीं करो, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, वो आप टेंशन मत करो, 4 दिन की छुट्टी मना लो, ठीक है? इसके बाद करते हैं। हाँ, अभी MCQs के लिए तैयार हो जाओ। चलो बच्चों, सलाइवरी अमाइलेज इज इनएक्टिवेटेड एट pH बिलो। कौन बता रहा है? तो बच्चे गायब ही होने लगे क्वेश्चंस के साथ ही। चलो चलो आंसर। एसिडिक पीएच, हाँ कि करेक्ट बेटा, पर बिलो कितना? कौन बता रहा है? डी, करेक्ट बेटा, उसामा करेक्ट, बिलो 4, बढ़िया। ऑल आर द फंक्शंस ऑफ सलाइवा एक्सेप्ट, इजी वाला क्वेश्चन है। कौन बता रहा है? सेकंड क्वेश्चन, चलो चलो फटाफट बच्चों, 10 बजे मुझे दूसरा सेशन भी करना है। दूसरे सेशन की लिंक मैं इसी के चैट बॉक्स में डाल दूं, इज इट फाइन? तो मैं वो चैट बॉक्स में ही डाल देती हूँ। प्रोटीन्स, करेक्ट बेटा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, करेक्ट। हाँ, ये सेशन खत्म होने के बाद इसी के चैट बॉक्स में मैं दूसरे सेशन की लिंक डाल रही हूँ, ठीक है ना? तो वो भी देख लेना बच्चों। ऑल सलाइवरी कंपोनेंट्स मिनिमाइज द रिस्क ऑफ बकल इन्फेक्शन एक्सेप्ट। चलो, कौन बता रहा है? कौन प्रोटेक्टिव फंक्शन किसका नहीं होगा? टाइलिन, करेक्ट बेटा, लिंगराजन करेक्ट है आपका, बढ़िया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन? ये तो इजी है, मैंने बताया था, एक ही है, सिर्फ नर्व से रेगुलेट होता है। करेक्ट, करेक्ट बेटा, फोर्थ का आंसर। अभी कौन बताएगा फोर्थ का आंसर? फोर्थ का डी नहीं बेटा, फोर्थ का ए आएगा ना, सलाइवा, मैंने बताया ना सलाइवा ही है, बात हुई ना हमारी? नहीं 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 नहीं, मैंने बोला सलाइवरी सिक्रीशन बच्चों, इट इज सलाइवरी सिक्रीशन। ओके, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन है ना, वो हमारा सीसीके पीजेड सिक्रीटीन, वो भी रेगुलेट करेंगे। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय कोलेसिस्टोकाइनिन और पैंक्रियाटोजाइमिन, ये भी रेगुलेट करते हैं, सिक्रीटीन भी रेगुलेट कर, सीसीके पीजेड, ठीक है, फिर सिक्रीटीन भी रेगुलेट करते हैं, ठीक है? हाँ, ये इसमें कोई हार्मोन नहीं आएगा, सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है? चलो, एम आई करेक्ट? वेगस स्टिमुलेशन आफ्टर फूड इंटेक डू नॉट इंक्रीज डैश सिक्रीशन। वेगस जिसे सप्लाई नहीं करती है उसका सिक्रीशन नहीं बढ़ाएगी,
इसे सप्लाई नहीं कर रही है। इसे सप्लाई नहीं कर रही है वेगस। चलो चलो फटाफट से। फाइकसी करेक्ट, पैरोटिड करेक्ट बेटा। सलाइवरी सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट गॉल ब्लैडर। कहां से आ गया बच्चों? वेगस नीचे तो जाती है ना बेटा। वेगस पैरोटिड, सॉरी पैरोटिड को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? हमारी सेशन चालू छो, सेशन चालू छो, 10 मिनट्स। हाँ टच रिसेप्टर्स बेटा, टच रिसेप्टर्स तो स्टिमुलेट करेंगे ना? नहीं, ये वाला सी आएगा। अगर हम बीटर खा रहे हैं ना कड़वा, तो ज्यादा सिक्रीशन होता है। मीठा खाएंगे तो ज्यादा नहीं होगा, उल्टा है। कड़वा खाने से ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है ना? तो दैट इज बीटर इंक्रीजेस द, ठीक है, करेक्ट है मेरा, ठीक है, क्लियर। हाँ नेक्स्ट, ऑर्बेक्स प्लेक्सस इज लोकेटेड। मैम आप गुजरात? यस यस आई एम गुजराती। आई हैड एन इमरजेंसी कॉल सो आई पिक्ड अप द कॉल। I have my reservation at 11 o'clock. I have to leave by 11 o'clock. मैं आपका क्लास ले रही हूँ अभी, मेरी 11 बजे की ट्रेन है, इसलिए कॉल आया था, आपके कार्य सर का ही कॉल था, डोंट वरी। ओके चलो, ओके सेवन का सी बेटा। नहीं और हाँ एक मिनट, ऑर्बेक्स प्लेक्सस की बात कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। ऑर्बेक्स प्लेक्सस और माइंड्रिक प्लेक्सस, करेक्ट है। सॉरी मैं मीजनस प्लेक्सस, मेरे माइंड में है मीजनस प्लेक्सस, इट इज नॉट, हाँ इट इज लोकेटेड, करेक्ट, बढ़िया बेटा। हाँ चलो, सेवन का सी करेक्ट। ओके एट, विच इज नॉट सीन विथ एक्टिवेशन ऑफ मायंट्रिक प्लेक्सस इन डाइजेस्टिव ट्रैक, है ना? मायंट्रिक प्लेक्सस अगर हमने स्टिमुलेट किया तो क्या नहीं होगा? मायंट्रिक करता क्या है? स्टिमुलेशन कर रहे हैं हम, तो मायंट्रिक क्या करेगा? चलो चलो बच्चों, नंबर एट, एट का ऑप्शन देखो, सिक्रीशन इंक्रीज टोन ऑफ द गट वॉल, इंक्रीज सिक्रीशन, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस, इंक्रीज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गट। इजी है बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बढ़िया। सिक्रीशन के लिए सब म्यूकोजल प्लेक्सस चाहिए। कौन है? ओसामा, हाँ फर्स्ट आंसर दे रहा है, अच्छा बढ़िया बेटा। इजी याद रखना, मायंट्रिक मसल में होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सब म्यूकोजल में, सब म्यूकस में, म्यूकस सामे सब म्यूकोजल होगा, वो सिक्रीशन करेगा, ठीक है।
9. Not true about submucosal plexus. एक्चुअली हाँ, ये वाला थोड़ा सा आपको लगेगा करेक्ट नहीं है, पर ये करेक्ट है. सब म्यूकोजा और मसल के बीच में होता है वो सब म्यूकोजा. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा 9th में आंसर? 9th का आंसर क्या आएगा बच्चों? मीजनस प्लेक्सस. कंफ्यूजन है 9th में. फटाफट फटाफट से. नहीं, ठीक है, 9th में आएगा हमारा टोन ऑफ द गट. वो कंट्रोल नहीं करेगा ना. 9th का सी नहीं बेटा, डी आएगा, टोन है ना, मसल का टोन नहीं कंट्रोल करेगा. ठीक है, सिक्रीशन तो कर रहा है. आज सिर्फ ओसामा लिंग राजन ही आंसर कर रहे हैं. बरखा नहीं है शायद, आनंद भी नहीं है. हाँ, GIT स्ट्रक्चर सप्लाइड बाय वेगस नर्व आर. कहाँ तक वेगस नर्व सप्लाई कर रही है ना? कुछ बुक्स में हाफ लिखा है, कुछ बुक्स में 2/3 है. ठीक है, लिंगराजन का करेक्ट है डी. ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, 10th, सॉरी सॉरी, दिस वाज बाय मिस्टेक कुछ. हाँ, 10th का आएगा का क्या है ऑप्शन? अभी थोड़ा सा शो हो ही गया तो मैं बता देती हूँ. वेगस हमारा करेगा जंक्शन ऑफ प्रॉक्सिमल 2/3 एंड डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन. ठीक है, 10 का डी करेक्ट. 11 सिंपैथेटिक टॉमी डिक्रीजेस म्यूकस और इंक्रीजेस, क्या कर रहा है, डिक्रीजेस या इंक्रीजेस मुझे नहीं पता है, म्यूकस सिक्रीशन. सिंपैथेटिक नर्व्स हमारा सिक्रीशन क्या कर रहा है, घटा रहा है. ठीक है, तो अगर सिंपैथेटिक नर्व निकाल दे तो क्या होगा? इजी वाला है. कौन बता रहा है? लास्ट वाला इजी है. सिंपैथेटिक नर्व्स क्या कर रहा है? म्यूकस सिक्रीशन को घटाएगा. अगर मैं सिंपैथेटिक नर्व निकाल दे रही हूं तो क्या होगा सिक्रीशन? इजी है बच्चों, बता दूं आंसर? आई थिंक हाँ, बढ़िया, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, ओके गुड. तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन खत्म हो रहा है. 10 मिनट बाद हम फिर से ऑनलाइन हो रहे हैं. मैं लिंक यहाँ पे ये चैट बॉक्स में ही डाल रही हूँ. ठीक है, तो आप लिंक के ऊपर क्लिक कर देना. ठीक है, तो आपका लिंक खुल जाएगा. ये दूसरी लिंक है और यहाँ पे भी हम लोग अभी लाइव होने वाले हैं, जिसमें मैं नीट के जो क्वेश्चंस पूछे हुए ना, थोड़े से टफ होंगे हमारे वाले से. तो अगर आपको अटेंड करोगे तो बहुत मजा आएगा. 5 क्वेश्चंस ही करने हमें, सिर्फ 10 मिनट. ठीक है ना, लाइव हो जाना 10 मिनट के बाद 10 बजे. ठीक है, 15 मिनट का सेशन लेना है, बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है, यहाँ पे ये सेशन एंड कर रही हूँ. अगेन, मेरे सभी नोट्स आपको वैसेलियस एप्लीकेशन में और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगे. थैंक यू सो मच. हमारा नेक्स्ट सेशन होगा फ्राइडे.